हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सो दैट यू विल बी द फर्स्ट वन टू व्यू माई द अपकमिंग वीडियोज। सो लेट अस स्टार्ट चिल्ड्रन। ये आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी रीड आउट। दिस क्वेश्चन सेज अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन, लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन उसी को हम लेट करते हैं। सो व्हाट यू विल राइट इन द बिगिनिंग, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर। अब आप आगे के पार्ट में क्या देख रहे हैं चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं इसमें स्पीड के बारे में कुछ वैल्यूज दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में, कुछ टाइम के बारे में वैल्यूज दे रखे हैं आवर्स में। सो इट मीन्स स्पीड एंड टाइम ऑल्सो हैज़ टू बी इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। सो डिस्टेंस तो आपको कवर्ड बाय ट्रेन हमने एक्स ले लिया, एंड सपोज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज वाई किलोमीटर पर आवर, देन यूज दिस फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने कितना लेट किया है एक्स, और स्पीड कितना लेट किया है वाई, सो पुट एक्स अपॉन वाई, टी इज द टाइम, तो एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू टी। सो वॉट नेक्स्ट चिल्ड्रन, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स विल बी इक्वल्स टू वाई इंटू टी, सो पुट इट इन ब्लॉक। ये इक्वालिटी हम आगे अभी यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। तो दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी हैव गॉट, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन। अब आप देखिए क्वेश्चन में दो केसेस हैं। केस वन में वॉट इज बींग सेड, दैट इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 10, देन इट टेक्स 2 आवर्स लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस तो आपका वही रिमेनिंग जो पहले शुरू में था वो एक्स ही रहेगा, बट वॉट हैज हैपन्ड द केस वन, द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10, सो वॉट विल बी योर न्यू स्पीड। केस वन में स्पीड इज नाउ वाई प्लस 10। अगेन द क्वेश्चन से द टाइम इज डिक्रीज बाय 2, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है एक्स वाला। If speed is y plus 10, time decreases by 2, then time will be equals to t minus 2. ये हमारा original time था, it has decreased by 2, so the new time will be t minus 2. Right children? तो speed और time का expression आपका question की language से बन गया। Again, distance का formula क्या होता है, आप यहाँ देखिए इसको cross multiply कर दीजिए, distance is equal to speed into time, ये formula आप already जानते। तो अब distance आपका fix है x kilometer, write down x here, what is your speed in case 1? y plus 10, so I write on y plus 10. What is your time in case 2? t minus 2, so into t minus 2. So this is the new expression for case 1 which I have obtained according to the language of the question. Isko hum expression number 1 label kar dete hain. Ab aage second part mein aap dekhiye case 2 mein kya diya hua hai, ki speed of the train is decreased by 10. It says इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, स्लोअर का मीनिंग यही है कि उसका स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हो गया है। तो इनिशियली उसका स्पीड कितना था चिल्ड्रन, स्पीड ऑफ द ट्रेन y था, इट हैज़ डिक्रीज बाय 10, सो केस टू में स्पीड कितना हो गया y माइनस 10। आगे क्वेश्चन में क्या है, इट टेक्स 3 आवर्स मोर, मीन्स द न्यू टाइम इज ओरिजिनल टाइम 3 आवर्स मोर, तो प्लस 3, सो न्यू टाइम बिकम्स t प्लस 3। So this is for case 2, speed becomes y minus 10 and time is t plus 3. Again use the formula, distance equals to speed into time. Distance is same, जो हमने original लिया था x kilometer, case 2 के लिए भी distance वही है आपका। तो distance की substitute कर देंगे हम x, speed कितना है case 2 का y minus 10, time लगा दीजिए case 2 का into t plus 3. So आपको ये expression मिल गया case 2 के लिए, this is your इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या देख रहे हैं चिल्ड्रन, यहाँ पर x का वैल्यू ऊपर देखिए, यहाँ पर हमने x का वैल्यू कितना फाइंड आउट करा हुआ है, y इंटू टी। सो फ्रॉम 1
substitute y equals to yt in this one. So from 1, x की जगह I can substitute yt. So आप yt लगा दीजिएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये रहा 1 आपका, ये आपका yt हो गया. अब यहाँ आपने क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके ओपन द ब्रैकेट y into t, y into minus 2 gives you minus 2y plus 10 into t plus 10t, 10 into minus 2 या फिर 10 into 2 या बीच में माइनस साइन, ये माइनस और ये माइनस, 10 into 2. तो हमने ओपन द ब्रैकेट कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, सो यू विल ऑब्टेन दिस इक्वेशन राइट. अब ये yt गेट्स कैंसल्ड और यहाँ क्या रह जाएगा चिल्ड्रन, यहाँ रह जाएगा 0. आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, yt को अगर लेफ्ट साइड में ले आओगे तो yt माइनस yt 0 हो जाएगा, तो वो 0 आप ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पर आपका 0 रह गया. अब ये माइनस 20 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो ये प्लस 20 हो गया एंड दिस इज माइनस 2y प्लस 10t. अब जस्ट इंटरचेंज कर दीजिए, ये RHS को हमने LHS में लिख दिया, आप इसको LHS को RHS में लिख दीजिए. दिस टू आर सेम, जस्ट आई हैव रिवर्स द साइड्स. नाउ व्हाट यू नोटिस, ये जो दो टर्म्स हैं यू कैन टेक आउट कॉमन, टू यू कैन टेक आउट कॉमन. सो नेक्स्ट स्टेप में टेक आउट टू कॉमन. सो व्हाट रिमेन्स इन साइड द ब्रैकेट, टू कॉमन निकाल के यू आर दिखाई दे रहा है, हाँ टू टेक आउट कॉमन, माइनस वाई रिमेन्स फ्रॉम द फर्स्ट टर्म प्लस 5t फ्रॉम द सेकेंड टर्म और इक्वल्स टू 20. ये टू आपका मल्टीप्लाई हो रहा है LHS में, ब्रिंग इट ऑन द RHS, इट विल गेट डिवाइड. सो 20 अपॉन 2, ये कैंसिल कर दीजिए 10. सो वॉट इज लेफ्ट, माइनस वाई प्लस 5t इक्वल्स टू 10, माइनस वाई प्लस 5t इक्वल्स टू 10. ये आपका इक्वेशन बन गया. इसमें आप देखिए दो वेरिएबल्स हैं, एक y और एक t. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स y एंड t. इक्वेशन नंबर 3 लेबल कर दीजिए. तो दिस इक्वेशन यू हैव ऑब्टेन फ्रॉम केस 1. ये केस 1 का ही था हमारा, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमको ये मिल गया. अब आप फ्रॉम 2 देखिए, आपका इक्वेशन नंबर 2 ऐसे था चिल्ड्रन, दिखा देती हूँ. ये इक्वेशन नंबर 2 में ये लेफ्ट साइड में आप x देख रहे हैं, आई कैन सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू फ्रॉम हेयर वाई टी, सो इन प्लेस ऑफ x पुट वाई टी और यहाँ पर हम फिर से लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, वाई टी इक्वल्स टू वाई माइनस 10 इंटू टी प्लस 3 बिकॉज वाई इक्वल्स टू सॉरी एक्स इक्वल्स टू वाई टी. ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया. अब इसको ओपन द ब्रैकेट, वाई इंटू टी वाई टी, वाई इंटू 3 तो 3y प्लस माइनस 10 टी माइनस 10 टी, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गए तो 10 इंटू 3 माइनस 30. अगेन yt को आप इधर ले आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए, 0 इक्वल्स टू 3y माइनस 10t माइनस 30. 30 को ब्रिंग ऑन द LHS, 3y माइनस 10t. आप जस्ट रिवर्स कर दीजिए साइड्स, इसको मैं LHS में ले आई, 30 को राइट हैंड साइड में ले आई. सो अगेन व्हाट यू नोटिस, यू विल गेट अ न्यू इक्वेशन हियर इन टर्म्स ऑफ y एंड t वेरिएबल. दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4. अब आप देखिए आपके जो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या मिला आपको, दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. व्हाट आर योर टू वेरिएबल्स, y t. अब चिल्ड्रन आपको ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गए दोनों इक्वेशंस. व्हाट नेक्स्ट, नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड t. ये दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मैथड से सॉल्व कर सकते हैं. अब मैं इसको एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ. हमने ये दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 को इधर लिख दीजिए. नाउ एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया था चिल्ड्रन, लुक आई एम मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ y सेम, कोफिशिएंट ऑफ y इन दिस इक्वेशन इज 3, कोफिशिएंट ऑफ y इन दिस इक्वेशन इज माइनस 1. सो इसको हम 3 रहने देते हैं, इसको हम 3 बनाने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, ये ऊपर वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज 3y को आई वॉन्ट टू रिमेन इट एज 3y. सो इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी टर्म गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 3. तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये बन गया माइनस 3y, 3 इंटू 5t 15t, 3 इंटू 10 30. ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इट विल रिमेन एज इट इज. नाउ आई विल ऐड दिस टू इक्वेशन, सो मींस आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 एंड बाय 3 एंड दिस इक्वेशन बाय 1 ऐड देम. तो मैंने ऐड का साइन लगाया, ये आपके दो इक्वेशंस हो गए.
Now add them. 30 plus 30 gives you 60. Equals to. 15t minus 10t gives you 5t. Minus 3y plus 3y ये हो गया 0. तो ये कैंसिल हो गया. तो 5t equals to 60. So t gives you 60 upon 5. कैंसिल कर दीजिए 12. So therefore t is how much? 12. What next now? I will put this value of t in equation number 3. आप इसको equation number 4 में भी put कर सकते हैं. But equation 3 is more easier. So I will put t in equation 3. So minus y plus 5t, t is 12. तो 5 into 12 equals to 10. अब इसको solve कर लीजिए. तो minus y plus 60 equals to 10. ये आपका next step हो जाएगा. Minus y plus 60 equals to 10. Minus y, 60 को यहाँ ले आइए right side में. तो minus 60 plus 10 minus 50. ये minus minus plus हो गए. तो y equals to 50. तो आपको y का value 50 मिल गया. Put y equals to 50 and t equals to 12. ये आपका beginning का equation था. Starting में हमारा बन गया था x equals to y t. So y और t का value हम इसमें substitute कर देंगे. Because आपको question में क्या find करना है? Distance covered by the train and what distance covered by train को हमने x assume किया हुआ है. तो x equals to y t में y और t का value substitute कर दीजिए. तो x equals to y 50 into t into 12. So x equal to multiply कर दीजिए 600 kilometers. So this is the distance traveled by the train. Alright children, I hope you have understood this question. This is a very important question. तो आप इसको अच्छे से समझ के कर लीजिएगा. Okay children, bye.